जय श्री कृष्णा। एक राजा के दो रानी थी। बड़ी रानी पूजा पाठ तथा दान बहुत करती थी। एक दिन छोटी रानी ने राजा से कहा, इनकी पूजा पाठ बंद करा दो, नहीं तो सारा धर्म खत्म हो जाएगा। राजा ने बड़ी रानी से कहा, तुम पूजा पाठ बंद कर दो, दान देना बंद कर दो। रानी ने कहा कि मेरी पूजा पाठ व दान बंद नहीं होगा। तो राजा ने उसे अपने घर से जंगल में भेज दिया। रानी जंगल में रहकर भी 2.5 पाव जौ दान करती रही, परंतु छोटी रानी को पता चला कि उसका दान पुण्य तो अब भी कम नहीं हुआ। उसने राजा से कहकर ताल, तले या फलों के वृक्ष सब कटवा दिए। बड़ी रानी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो सब पहले जैसा हो जाए। पेड़ हरे भरे हो गए। अब तो रानी पहले जैसे ही दान पुण्य करती और फलों को खाकर अपना जीवन बिताती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में सैनिकों के साथ गए। राजा को रास्ते में प्यास लगी तो वहाँ पर दूर तक भी पानी नहीं था और खाने के लिए फल भी नहीं थे। सैनिक कहने लगे कि महाराज, आगे चलकर देखते हैं, वहाँ पर कोई ऋषि दिखाई दे रहे हैं। आगे जाकर देखा तो पानी के तालाब भरे हुए, फलों के बाग लगे हुए हैं, जौ के खेत लहरा रहे हैं। राजा तथा सैनिकों ने फल खाए, पानी पिया तथा घोड़ों ने जौ खाए। राजा एक पेड़ के नीचे सो गया। आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तूने जिस रानी को घर से निकाल दिया था यह उसी का प्रताप है, तो आज तेरे प्राण बच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि मेरी रानी को ढूंढवाओ। सैनिकों ने कहा, महाराज, अब वह यहाँ पर कहाँ से आई? तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, आवाज लगाई, राजा तुम तो गलत जगह पर आ गए हो। राजा ने कहा, मैं ठीक जगह पर आया हूँ, मुझे क्षमा करो। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजा के नीचे बिछा दिया। सुबह उठकर रानी को अपने राजमहल वापस ले आया। छोटी रानी ने कहा कि इस कुल्टा को वापस क्यों लेकर आए? राजा ने कहा कि तुम कुल्टा हो, तुम्हारी ही कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। दान देने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। राजा ने बड़ी रानी को सिंहासन पर बिठाया और छोटी रानी को दुभाग दे दिया। जय श्री कृष्णा।